कसरावत कृषि उपज मंडी में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर NMOPS के बैनर तले कर्मचारियों द्वारा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर विशाल रैली निकाल SDM कसरावत को ज्ञापन सौंपा है। कृषि उपज मंडी कसरावत के प्रांगण से शुरू हुई रैली विजय स्तंभ पुरानी तहसील परिसर नगर परिषद कसरावत के SDM कार्यालय में संपन्न हुई। इस दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी भी की। कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों अधिकारियों के लिए लागू केंद्र सिविल सेवा पेंशन नियम ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त कर राजकीय सेवा में मुक्ति केंद्र कर्मचारी अधिकारी पर नेशनल पेंशन स्कीम NPS लागू किया है, जो जोखिम भरा एवं असुरक्षित है। पुरानी पेंशन को लेकर जिले भर से आए हजारों कर्मचारियों ने कसरावत SDM को केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। उठाकर आप जो हमारी महफिल में आए हैं और इन फूलों की क्या बिसात हमने दिल बिछाए हैं, और इन सबों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम के स्वागत भाषण के लिए आदरणीय संजय पटेल साहब। आज इस तरह हम सबका मिलना कुछ आस पैदा करता है। मिट्टी की तो बात अलग है, ईश्वर तो पत्थर में भी खास पैदा करता है। कौन पहुंचा है कभी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझको लगता है कि तू उड़ने के लायक नहीं है, सच तो ये है कि तेरे पंखों में अभी जान बाकी है। आए हुई है उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा है, और उसमें शासकीय शिक्षा संगठन उस आवाज में अपनी आहुति डालता है। चाहे कोई भी आह्वान करे, हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। ये एक छोटी सी मांग है हमारी, परम सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जो मध्य प्रदेश के मुखिया, उनसे हमारी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग रखे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के सरकारों ने पेंशन बहाल कर दी है, तो सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारी पेंशन तत्काल बहाल करें, इसकी घोषणा करें। आपको ऐसा नहीं लगता कि लड़ाई काफी लंबी हो गई है? हाँ, 2017 से सम्माननीय विजय कुमार बंधु जी ने इस लड़ाई को आगाज दिल्ली से करे थे, और आज हमारा 2022 हो गए। सरकारें लेट कर रही हैं, जितना देर करेंगी उतना ज़्यादा उनको भुगतना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि हमारी पेंशन की जो मांग है वो तत्काल करें, इससे सरकारों का भी फायदा और हमारे कर्मचारियों का। मांगे पूरी नहीं होती तो इसमें हम बहुत ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे। हमने 100 दिन का चार्ट प्रोग्राम किया है। मध्य प्रदेश शासन को हम सिर्फ दिसंबर तक का समय दे रहे हैं। यदि दिसंबर तक उन्होंने हमारी मांग को नहीं मानी तो हम तालाबंदी, शालाओं के तालाबंदी, ऑफिस में तालाबंदी से लेकर के रोड से अमर अनशन तक करेंगे। हमारा पूरा मध्य प्रदेश का 6 लाख कर्मचारी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में पूरा मध्य प्रदेश में जितना भी कर्मचारी वो रोड में आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।